दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही कई आरोप अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और कहा कि यह पत्र बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं, मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं। दीपक बावरिया के साथ अनबन के चलते भी पद छोड़ा और यह कहा कि वरिष्ठ नेताओं के लिए गए फैसलों पर दीपक बावरिया रोक लगाते थे। आपसे, आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने यह भी कहा कि दीपक बावरिया ने उन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सस्पेंड करने का दबाव बनाया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और जो महासचिव हैं कांग्रेस के, प्रभारी हैं दिल्ली के दीपक बावरिया हरियाणा के भी प्रभारी हैं, उनके साथ भी अनबन की इस पत्र में उन्होंने जानकारी दी है, जिक्र किया है और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दीपक बावरिया के तौर तरीकों पर आपत्ति जताई है। लवली के मुताबिक उन पर बावरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को बाहर करने का भारी दबाव है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लवली ने अपने लेटर पत्र में यह भी लिखा कि बहुत भारी मन से यह पत्र लिख रहा हूं, मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन बीच में वो बीजेपी में भी शामिल हो गए थे, फिर कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से वो खुश नहीं है। दीपक बावरिया पर उन्होंने निशाना साधा और दिल्ली अध्यक्ष पद पर वो बने नहीं रह सकते, उन्होंने ये भी कहा। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एकतरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया रोक लगा देते हैं। जब से मुझे पार्टी का चीफ बनाया गया है तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है, अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। तो कई आरोप उन्होंने दीपक बावरिया पर लगाए और उनसे अनबन का भी एक बड़ा इशू उन्होंने इस इस्तीफे को बताया है। अरविंदर लवली की अगर बात की जाए तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इसको माना जा रहा है। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप पर बनी है। इसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, इसको भी उन्होंने एक वजह बताई अपने इस्तीफे की। आपको बता दें कि 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गए थे और कुछ महीनों पहले वो अब कांग्रेस में शामिल हुए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर से बीजेपी में जाएंगे? सियासत का ये तरीका, सियासत का ये दौर, सियासत का ये दिलचस्प माहौल अलग अलग तरह से राजनीतिक माहौल को गर्माता है। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए और कुछ अहम अंदर की खबरों के लिए। राजा पटेल, दीपक बावरिया को एक बड़ी वजह बताया है अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में। आम आदमी पार्टी को लेकर तो नाराजगी दिखाई है, लेकिन हरियाणा के भी प्रभारी हैं दीपक बावरिया और कहा कि वो दबाव बनाते हैं पार्टी के सीनियर नेताओं को सस्पेंड करने के, और भी कई आरोप। किस तरह से देखते हैं इसको, कितना बड़ा झटका है ये दिल्ली कांग्रेस के लिए और दीपक बावरिया पर इतने आरोप लगाने को लेकर हरियाणा की राजनीति इससे किस तरह से गर्माएगी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उसका तमाम जो बड़े आरोप है दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया पर लगाए हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भी बैठक कांग्रेस की ओर से वहां पर भी कई बार बन मुताबिक दीपक बावरिया जब बस से पहुंचे तो जो लवली है वो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते थे, कई ऐसे यूजुअल हमारे कैमरे में कैद थे और लगता था कि मन मुताब कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रहा है, यानी कि दुर्भाग्य परेशानी चल रही है। एक बड़ा आरोप अब अरविंदर सिंह लवली ने लगाए हैं अपने पत्र में कि संगठन की वो नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे। भारी मन से उन्होंने पत्र जरूर लिखा है, तमाम बड़े आरोप उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो बाहरी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट किया है उसको लेकर दिल्ली की जो यूनिट है कांग्रेस के जो नेता है वो काफी नाराज है। कन्हैया का टिकट किया है, वही आज तरीके से बात करें और दूसरे जो नेता है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया है कि भारी जो उम्मीदवार कांग्रेस लेकर आई है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है उसमें भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। प्रभारी अपना एक तरफा पूरी तरीके से बहुत बनाते थे, एक तरफा उनकी प्रभारी अपनी बातें वहां पर रखते थे, तो एक बड़े आरोप के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सवाल ये क्योंकि 2015
वे किस तरीके से वो चुनाव लड़े थे और बीजेपी के बाद कांग्रेस में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, तो क्या आखिरकार अरविंदर सिंह लवली के मन में क्या चल रहा है? इस बात को पता चल जाएगी, पर काफी लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से भी वो कई बार भी देखने को मिलते थे। नहीं राजा, एक और बात बताइए, दो चीजें इसमें अब सामने आती हैं, दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर से बीजेपी में जाएंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अरविंदर सिंह लवली की छवि दिल्ली में किस तरह की है, वो कितना प्रभावित करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनाव के दौरान। और एक चीज ये भी है कि क्या इसका मैसेज ये तो नहीं जाएगा उनके खिलाफ ही कि बताओ ये भी किसी के दबाव में आएगा और ये भी इस तरह से चुनाव के बीच में अपनी पार्टी को लेकर इस तरह से छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी खुद की राजनीति के लिए भी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव के चुनाव पर किस तरह का असर इनका ये कदम डालने वाला है? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर वो आपका सवाल है राजनीति कि ऐसे वक्त पे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली ने इस्तीफा दिया है, इस वक्त उनकी जरूरत थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी लोग चुनाव कर रही है, सभी कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रत्याशी है वो लगातार दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर नाराजगी थी कि वो पहले हाईकमान से बातचीत कर सकते थे और जिस तरीके से लगातार वो पहले वीकेट गोपाल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते रहे, तो इस तरीके से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं तरीके से बनता है कि क्या एक बड़ा कदम अरविंद लवली उठाने वाले हैं क्या किसी और अन्य पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि ये और बताइए कि मतलब आपने एक बात कही कि वो हाई कमान से शिकायत कर सकते थे, मिल सकते थे, वन टू वन बातचीत कर सकते थे, तो ऐसा उनकी तरफ से शायद नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी इस बारे में कोई भी मुलाकात नहीं हुई, जिस तरीके से उन्होंने पत्र में लिखा है उस पत्र को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसमें जो जानकारियां लिखी हुई है कि वो दबाव में थे, काफी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही थी, तो पार्टी गाइडलाइन के तहत वो पार्टी के हाईकमान से मुलाकात कर सकते थे, अपनी बातों को रख सकते थे कि मेरे को दबाया जा रहा है, मैं संगठन की नियुक्तियां नहीं कर पा रहा, प्रभारी अपना एक तरफा अब पूरी तरीके से माहौल बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से हाजिर हुए हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी बातों को सुनती कांग्रेस हाईकमान उनकी बातों को सुनती, पर जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पर पूरा जो माहौल है बीजेपी का गर्म है, अब देखने वाली बात होगी, लगातार हम जो दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया उनसे भी संपर्क कर रहे हैं जो अरविंद सिंह। बिल्कुल, दीपक बावरिया से आप संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबसे पहली प्रतिक्रिया आप उनकी खबर अभी तक पर लेकर आए। राजा पटेल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपसे हम बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हो रहा है राजनीति में, अब चाहे वजह कुछ भी रही हो, एक तो वो टिकटों को लेकर नाराज थे, ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी से गठबंधन दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर नाराज थे अरविंदर सिंह लवली, कुछ ये बातें भी आई कि उनकी तरफ से कुछ नेताओं के नाम दिए गए थे या वो चाहते थे कि इन नेताओं को टिकट मिले, उनको टिकट नहीं मिले, एक ये बात थी। एक बात उन्होंने ये कही कि वो प्रभारी के कदम से उनके रवैये से नाराज थे क्योंकि वो दबाव बना रहे थे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सस्पेंड करने के लिए, उनकी चल नहीं पा रही थी अरविंदर सिंह लवली की।